खबर गोंडा से आ रही है। क्षेत्रीय युवा वाहिनी के बैनर तले आज वजीरगंज क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में क्षेत्रीय महामिलन समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपनी चुनावी भागीदारी और क्षेत्रियों को एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजा मझोली उमेश प्रताप मल, युवराज कुंवर अभिषेक प्रताप मल, बिनगर रियासत के राजा और पूर्व विधायक मंगल देव सिंह समेत कई रियासतों के राजा, क्षत्रिय नेता और गोंडा समेत आसपास के जनपदों के हजारों क्षत्रिय एकत्रित हुए। सम्मान समारोह के बाद क्षत्रिय नेताओं ने क्षत्रियों के सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक योगदान की चर्चा की, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने की भी अपील की। कभी नहीं, मैं जातिवाद को मैं कतई नहीं, मैं वो करता हूँ, जातवाद का मैं विरोधी हूँ जो है, लेकिन अपने कुल के बारे में जानना, अपने कुटुंब के बारे में जानना, अपने परिवार के बारे में जानना ये ज़रूरी होता है। अपने वंशजों के बारे में जानना, अपने पूर्वजों के बारे में जानना, पूर्वज हमारे कौन थे, ये तो हमको इतिहास भी पढ़ाया जाता है। आज अगर राणा प्रताप पढ़ाए जाते हैं, शिवाजी पढ़ाए जाते हैं, तो उनके वंशजों के लिए पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे जो हमारा इतिहास है, सैकड़ों वर्ष का विशेषों का इतिहास है, शायद इस पूर्वांचल में जो सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है वो राजा मझौली का रहा है। सैकड़ों वर्ष से टीकाधारी राजा थे, वही जब टीका लगाते थे तो तमाम राजे रजवाड़ों को। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट।